गांजरी इलाके के बाशिंदों को साल 2020 भी गहरे जख्म दे गया। जिले की तहसील बिस्वा, लहरपुर, महमूदाबाद में इलाके से गुजरी शारदा और घाघरा नदियों ने बाढ़ व कटान का कहर बरपाया। नेपाल के रास्ते से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी ने बर्बादी की कहानी लिखी। हालांकि कटान रोकने के लिए इस साल भी 4 परियोजनाओं पर काम करवाया गया, बावजूद इसके कटान से घर खेत उजड़ते रहे। जबकि सिंचाई विभाग दावा करता रहा कि जिन तहसीलों में परियोजनाओं पर काम हुआ वहां गांव में एक भी मकान नहीं कटा है। ग्रामीणों का कहना है कि सिंचाई विभाग द्वारा परियोजनाओं के तहत बनवाए गए ज्यादातर स्टड शारदा व घाघरा के तेज प्रवाह के आगे टिक नहीं पाए, उखड़ गए। कटान पीड़ितों में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी है कि हर साल आश्वासन का झुंझुना पकड़ाने की जगह यदि कटान रोकने के ठोस प्रबंध किए जाएं तो कटान से होने वाले नुकसान व सरकार के करोड़ों रुपए की हानि को बचाया जा सकता है। जिले की प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह, नोडल अफसर मिनिस टीएस, विशेष सचिव सिंचाई डॉक्टर सारिका मोहन, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बाढ़ कटान प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जल शक्ति मंत्री ने तो जब बाढ़ नहीं थी तभी हवाई सर्वे कर कई निर्देश भी दिए थे, लेकिन बाढ़ आने पर सभी निर्देश पानी में बहकर न जाने कहां चले गए। इस साल अभी तक केंद्रीय टीम भी प्रभावित इलाके में बाढ़ व कटान से हुए नुकसान का जायजा लेने नहीं पहुंची है, जिससे पीड़ितों के जख्मों पर दिलासा भरा ही मरहम लग जाता। दाना भाई ना कर खेत बारी में 20-25 बीघा खेत वो एको दाना नहीं भवा, कैसे बोला कहूँ से अपन ले दे के अपन बोई मजूरी धतूरी कह के और कैसे बोई। हमारा फसल नष्ट हो गया, हमें सुविधा कोई नहीं मिला सरकार की तरफ से, के बार कोई पूछने वाला नहीं है। कितना धान बोए थे, कितना बचा? अरे धान लगभग 20 बीघा बोए थे, एक बीघा नहीं बचा। नदियों के विनाश लीला का सर्वाधिक कहर तहसील बिस्वा में बरपा। यहाँ 61 ग्राम पंचायतों को बाढ़ व कटान ने अपने निशाने पर लिया। क्षेत्र की 46,000 आबादी का सुख चैन खेतों में खड़ी फसलों के उजड़ने और गृहस्थी नष्ट होने से छिन गया। ग्राम पंचायत गोलोक कोटर के 35 मजरों में बाढ़ का पानी ग्रामीणों के घरों तक जा पहुंचा। मजरों की लगभग 10,000 आबादी खुले आसमान के नीचे आ गई। हजारों ग्रामीणों की जिंदगी पानी के बीच कैद होकर रह गई। परमेश्वर पुरवावा कोनी के 2 मजरों में 50 झोपड़ियां और 18 पक्के मकान कट गए। प्रशासन के मुताबिक 5,732 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खड़ी धान गन्ना आदि फसलें बर्बादी की भेंट चढ़ गईं। 18.89 हेक्टेयर क्षेत्रफल में घाघरा ने कटान का कहर बरपाया। 548.43 लाख रुपयों का फसल क्षति का नुकसान हुआ है। प्रशासन के आंकड़ों में सिर्फ 15 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, कच्चा मकान सिर्फ एक ही आंशिक रूप से और 55 झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। तहसील क्षेत्र के मदारगंज मरसंडा निवासी राम लोटन पुत्र राम रतन की मौत बाढ़ के पानी में डूब जाने से हो गई। ग्रामीणों के अनुसार करीब 80,000 आबादी इस वर्ष भी बाढ़ व कटान से तबाह हुई है। प्रशासनिक आंकड़ों से कई गुना ज्यादा भूमि व फसलों का नुकसान हुआ है। कहर का शिकार हुए पीड़ित आई इंडिया से बोले, 35 बीघा धान लगा रहा, 35 बीघा विश्व धान नहीं बचा मिला। हम बंधक के पार में हम नदी का मुँह खुला है तो बहुत लोग इधर पूरा बह गया, थोड़ा आधा है सोने में यहाँ पूरे 4 महीना बाढ़ से झेलते रहे और एक धान की पूंजी नहीं बची। कोई किसान को हर या आदमी जो बंधे के भीतर है उसको तो एक पूंजी एक धान का देखने का नहीं मिला। अब हमारा बाढ़ आई, हमारा 15-16 बीघा धान बह गया, टाइप टाइप होते हैं इधर उधर और हमारे पास खेत तो था नहीं, 2-3 बीघा है तो हमको पैसा नहीं मिला है, बाढ़ का मिला नहीं है। तहसील लहरपुर क्षेत्र में ग्राम पंचायत बरेती और नकहा तो कटान में उजड़ ही गए। रतौली गांव में लगभग 125 घरों को शारदा ने निशाना बनाया। ग्रामीण सड़कों के किनारों पर ठिकाना बनाने को मजबूर हो गए। हरकी बेहड़, बेलवा, बरेती, मास्टरपुरवा, अहरौरी, सेमरिया, मुसियाना, रामपुरवा, पट्टी, लखनीपुर, जटपुरवा, रतौली, अटारजनपुर, गौर, गुनिया, चौखड़िया, बिचला, बरेती, पट्टी, रैनी, समदाहपुरवा, नकहा, परेवा, पट्टी, दहेली, बरछता, ननुही, खालेपुरवा, सितुही, मीतमऊ, लखनीपुर, गुनियागुर्द, सिंहपुर सहित दर्जनों गांव की हजारों बीघे जमीन का कटान कर शारदा ने अपने में मिला लिया। प्रशासन के अनुसार 33 गांव की 14,000 आबादी बाढ़ कटान से प्रभावित हुई। 1,112.01 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खड़ी फसलों को हानि पहुंची, जिसमें 326.49 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कटान हुआ। 190.11 लाख रुपयों की फसलों का 9 पक्के और 205 कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए व 93 झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा है।
तहसील महमूदाबाद के 8 गांवों की 14,000 आबादी घाघरा की बाढ़ कटान से परेशान हुई। कुल प्रभावित 3,046.06 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 2,546.06 हेक्टेयर कृषि योग्य और 662.66 हेक्टेयर भूमि पर बोई गई फसलों का नुकसान हुआ। 26.18 हेक्टेयर क्षेत्रफल में भूमि का कटान नदी ने कर डाला। प्रशासन के आंकड़ों में 89.05 लाख रुपयों की फसलों का नुकसान हुआ है। बाढ़ के दौरान जिले की नोडल अधिकारी मिनिस्टीएस ने तहसील के बाढ़ प्रभावित गांव बगस्ती का दौरा किया। बाढ़ कटान से होने वाली परेशानियों से उस समय रूबरू भी हुई जब उन्होंने अपनी लग्जरी गाड़ी छोड़कर गांव तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टर और नाव का सहारा लिया। गांव में कराए गए विकास कार्यों की जमीनी सच्चाई उनके सामने आई। बंधा निर्माण का निरीक्षण करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि चाहे 5 लाख की उसे पानी छोड़ा जाए मगर गाँव को कोई खतरा नहीं होगा। उसके दूसरे दिन ही उनके दावे बाढ़ के पानी में बहते नजर आए। राजस्व गांव अंगरौरा अकरी शकुलपुरवा पुरैना केवड़ा बगस्ती कलुआपुर अटौरा कनरखी में बाढ़ कटान से 14,000 आबादी त्राही त्राही करती रही। बेबस ग्रामीणों का दर्द आई इंडिया से कुछ यूं छलक पड़ा। तो समस्या का है, कुछ सब बड़ी बुरी गवाह है। तो है तो सरकार सहायता करे तो तो भी रहे। अब जो लोग की मर्जी है तो हम दे सकते जमीन पत्तर है कट गए हैं। समस्या भैया बहुत है, रोड पर पड़े हैं। हमका 10 साल कम से कम होएंगे रोड पर पड़े। न यहाँ कोई व्यवस्था मिल रही है, गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट खुद दे नहीं रहा और ना कोई अधिकारी यहाँ आता है जांच करे। घर देख लो कैसे हमारे लोग बने हैं, कैसे हमारे सबकी व्यवस्था है, कपड़ा लत्ता और सब खाना पानी सब बहिगवा पानी में है। अब कैसे गुजार कर रहे हैं इधर उधर उधर पे हैं। और भैया क्या करिए, क्या करें, घर कट गया, घर सब गिर गया, कुछ सुनाई होता नहीं है। कहाँ यहाँ जुकान पक्के घर मिल रहा था, हमन के तो नहीं मिला है। खेत कट गया, घर कट गया, हमारे 4 लड़का है, 2 लड़की है और 2 परानी हम लोग है, 8 जनी है। 4 बजे घर कटा, हमन के कहूँ रहे का सुविधा नहीं मिली। और इसमें हमारा बूढ़ा राहत वाला पैसा भी नहीं मिला है और जमीन भी थोड़ी कट गई थी उसका भी पैसा नहीं मिला है। और हमारा नाम भी उसमें तहसील में दिया गया था मगर अभी अभी कोई मिला नहीं है पैसा। 3-4 लोग हम भाई हैं, कोई पे भी नहीं मिला। हमार खेती पाती पैसा कोई नहीं मिला। 5 बीघा खेत कट गवा, गन्ना वही कहू नहीं कोई सावधानी। घर कट गवा, झोपड़ी रहें उमा 5 नाव है। हमारी पंजर के जमीन कटी है, यहाँ कोई आवा नहीं है। गन्ना कट गवा है, करे 3 बीघा गन्ना हमारे कट गवा है। तो यहाँ पर उन कोई आवा नहीं, ना हमका कुछ मिला है ना कुछ कोई बात भय। अब ना कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया है जो कोई सोच रहा है कोई दे है। आई इंडिया के लिए रेउसा से अमरीश मिश्रा, रामपुर मथुरा से संजय सिंह के साथ अविनाश चंद्र मिश्र की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर में तो चला किचन के अंदर और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी नज़र हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।